हाय गाइस, आज का व्लॉग बहुत लेट चालू हुआ है। अभी 3 बज रहे हैं और अभी तक हम कहीं नहीं गए, हम होटल में रुके हुए हैं। प्रॉब्लम यह हुआ कि आप अगर US में हैं, ठीक है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक मिनट में साउंड कम करती हूँ थोड़ा। तो अगर हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं, गलती ये हुई क्योंकि विजिट पहले निकल गया था, मैं बाद में निकली, तो मैं कार सीट जो है वो नहीं लाई, और उस कारण अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको गाड़ी में कार सीट की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट डे ये था, हम बीच में थे, हमारे होटल के सामने था तो हमें कार सीट की ज़रूरत नहीं थी। सेकंड डे हमने आजू बाजू ही घूमा था, तब भी हमें ज़रूरत नहीं थी। थर्ड डे अभी अगर हमको कहीं पे भी घूमने जाना है तो गाड़ी में बच्चे के लिए कार सीट होना ज़रूरी है। वैसे कभी कभी कैब वाले मान जाते हैं या क्योंकि वो उनके ऊपर रिस्क रहता है, पुलिस ने पकड़ लिया तो उनके ऊपर फाइन लग सकता है या हमारे ऊपर भी फाइन लग सकता है, क्योंकि US में बच्चों की सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप देखेंगे किसी भी गाड़ी में अगर बच्चा है तो वो कार सीट में ही बैठेगा। मैंने कितने सारे वीडियोस में दिखाया कि ताशु कार सीट पे बैठी है क्योंकि वो मस्ट है। तो अभी विजिट गए हैं वॉलमार्ट कार सीट लेने के लिए, तो उसको पहले कार सीट में बिठाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं। पहली बात, आज हम लेट उठे, थक गए थे, कल कुछ नहीं किया तब भी थक गए थे, निकलते निकलते और बच्ची भी है साथ में, तो टाइम करेक्ट टाइम पे तो आप निकल नहीं सकते। जब ये सब हुआ तो कार सीट का नाटक हो गया, तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि कार सीट आ जाए फिर हम निकलेंगे। मैं पूरी तैयार हो गई थी, ताशु भी तैयार मस्त यहाँ बैठी है, मगर अभी हम जा नहीं सकते, तो जब निकलेंगे तब मैं आपसे मिलती हूँ। अभी हम बाहर आ गए हैं, विजिट गाड़ी लेके आ ही रहे हैं, और ये आज ताशु का आउटफिट है। मुझे ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और ताशु के लिए जब मैंने ये लिया था तो मैं इतनी खुश हो गई थी। ये मैडम हीरोइन बन के आज घूम रही है। हाय स्वीटू। तो अभी आए हैं हम बुश गार्डन में। ये एक थीम पार्क अम्यूज़मेंट पार्क है, मतलब यहाँ पे आपको जू भी देखने के लिए मिलेगा और आप बहुत सारे राइड्स भी कर सकते हैं। तो हम लोग अभी बुश गार्डन में आए हैं। अब हम एक ट्रेन राइड लेंगे और इस ट्रेन राइड में वो हमको पूरा जू दिखाएंगे और पूरा थीम पार्क दिखाएंगे, तो चलिए मेरे साथ। Thank you.
अब आ गए हैं हम रूम, और रूम में है साउथ इंडियन खाना, और ये यहाँ के एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट से हमने लिया है जिसका नाम करी लीव्स है, और बहुत 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 ऑथेंटिक केरला खाना था यार, मज़ा आ गया। तो हमारी फ़्लाइट रात को थी, तो ताशु सो गई थी, ताशु को मैंने बिल्कुल तैयार करके सुला दिया था, तो बस पैकिंग सारी हो गई है और बस अब एक बार विजिट कैब बुक कर रहे हैं और फिर हम निकलते हैं घर की तरफ। और ये रहा फ्लाइट का नज़ारा, बस लास्ट ग्लिम्स फ्लोरिडा का, और बस अपने घर पहुंच जाएंगे। हाय गाइस, तो घर वापस आ गई है। इतना अच्छा लगता है ना घर पे आने के बाद, सुकून मिलता है। मतलब वो सब प्रॉब्लम ज़रूर हैं कि अभी तक आप जब वेकेशन में थे तो आपको क्या था, खाने का कोई चिंता नहीं था, आपको बस खाना ऑर्डर करना है, सोचना है आज क्या खाना है। मगर घर आने के बाद आपको फ्रिज खोल के आप फिर रोज़ देखना पड़ेगा कि आज क्या बनाना है, तो वो एक टेंशन है। मगर घर आके अच्छा ही लगता है, हमेशा अच्छा लगता है, और अपने बेड में सोने का जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। तो बस अब घर आ गए, अब और डबल काम है, अनपैक करना, कपड़े सारे धोने, डालना, वो सब नाटक है, मगर सुकून है अपने घर पे। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको मेरे फ्लोरिडा के व्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वो बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलती हूँ, बाय।